हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम डाइसेक्ट करेंगे क्लिटोरिया टर्नेटिया प्लांट का, जिसे हम कॉमनली जानते हैं अपराजिता के नाम से, और इसका एक और नेम है बटरफ्लाई पी, राइट। एंड ये बिलोंग करता है फैमिली फेबेसी से। दिस प्लांट इज बिलोंग्स टू फैमिली फेबेसी। अगर हम इसका क्लासिफिकेशन देखें तो ये किंगडम प्लांटी से बिलोंग करते हैं, एंड इसकी फैमिली फेबेसी है, एंड जीनस है क्लिटोरिया एंड स्पीसीज है टर्नेटिया। हमने यहाँ पे जीनस एंड स्पीसीज के नेम को अंडरलाइन करके रखा है, ठीक है, तो आप भी अंडरलाइन करना ना भूलें। देखिए, बॉटनी प्रैक्टिकल में जब आप फाइल्स लिखते हैं तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या मिस्टेक करते हैं, वो यही मिस्टेक करते हैं कि वो जीनस एंड स्पीसीज का जो नेम होता है वो अंडरलाइन नहीं करते हैं। बल्कि अब जब भी आप कहीं भी, अगर आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन हो रहा है या फिर अपनी बॉटनी की फाइल बना रहे हैं, या फिर बॉटनी हो या फिर जूलॉजी हो, किसी भी सब्जेक्ट की अगर अपनी फाइल बना रहे हैं, तो आपको अंडरलाइन करना ही करना है, जीनस एंड स्पीसीज नेम आपको अंडरलाइन करना है। लेकिन एक और बात, कुछ बच्चे क्या करते हैं, जीनस एंड स्पीसीज दोनों को ऐसे साथ में अंडरलाइन कर देते हैं, ये गलत होता है, ठीक है। कभी भी जीनस एंड स्पीसीज को ऐसे एक लाइन से अंडरलाइन नहीं करना चाहिए, दोनों अलग अलग है ना, तो हमें अलग अलग जीनस को अलग अंडरलाइन करना चाहिए एंड स्पीसीज को अलग अंडरलाइन करना चाहिए। ये छोटी छोटी सी बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अभी हमने इससे पहले हमने स्टडी किया था रोज़ फ्लावर का डाइसेक्शन किया था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। हमारे चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जहाँ पर हमने बहुत सारे प्लांट का, बहुत सारे फ्लावर्स का हमने डाइसेक्शन किया है, और हमने उस प्लेलिस्ट में वो सारे वीडियोज़ एक जगह पर रखे हैं ताकि आपको कोई डिफ़िकल्टी ना हो वीडियोज़ को सर्च करने में। तो ये वीडियो भी मैं उस प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए, और आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको अगले किस प्लांट पे आपको डाइसेक्शन वीडियो एंड उसके टैक्सोनॉमिक करेक्टर्स चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं हमारा जो प्लांट है क्लिटोरिया टर्नेटिया का टैक्सोनॉमिक करेक्टर्स एंड उसका डाइसेक्शन। सो लेट्स स्टार्ट। अब हम स्टडी करेंगे क्लिटोरिया टर्नेटिया प्लांट की हैबिट, स्टेम, लीव एंड इन्फ्लोरेसेंस। तो अगर हम इस प्लांट की हैबिट देखें, तो हमने जब इस प्लांट को तोड़ा था तो मैंने देखा था कि ये क्लाइंब कर रहा था, तो इसको बोलेंगे ट्विनिंग क्लाइंबर। ये इसकी हैबिटेट कैसी होती है, तो ट्विनिंग क्लाइंबर होती है। अब हम आते हैं स्टेम पर। तो इसका जो स्टेम होता है वो एरियल होता है, ठीक है, वीक होता है, काफ़ी ज़्यादा वीक स्टेम है इसका, स्मूथ होता है, ठीक है, स्टेम इसका स्मूथ है, ग्रीन है कलर इसका। अगर हम देखें स्टेम का कलर देखें तो स्टेम का कलर ग्रीन है और सॉलिड है, यानी कि अगर हम इसको यहाँ पे अगर हम इसको प्रेस कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये ईजिली कंप्रेस नहीं हो रहा है, तो इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं ये सॉलिड है, ठीक है। तो ये स्टेम के कुछ करेक्टर्स हैं, एरियल, वीक, स्मूथ, ग्रीन एंड सॉलिड। अब हम इसकी लीफ की बात करते हैं, तो इसमें जो लीफ होती है ना वो रैमल एंड कॉलाइन होती है, यानी कि अगर ये एक, सपोज़ ये एक प्लांट है, ठीक है, तो इसमें ब्रांचिंग भी होती है, तो जो लीफ होती है वो मेन ब्रांच पर भी बॉर्न करती है, और इसकी, और जो ये मेन ब्रांच में जो ब्रांचिंग होती है, जो लेटरल ब्रांचेस होती हैं, वहाँ पर भी क्या, लीव्स बॉर्न करती है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं कि ये रैमल एंड कॉलाइन है, राइट। उसके अलावा जो लीव्स होती हैं वो अल्टरनेट पे अरेंज्ड होती हैं, राइट। ये देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो लीव कैसे अरेंज है, अल्टरनेट पर, ये जो अरेंजमेंट है लीव का यहाँ पर कैसा है, अल्टरनेट, दिस लीव इज हेयर देन हेयर देन हेयर देन हेयर देन, इस टाइप से जो अरेंजमेंट रहता है उसको हम बोलते हैं अल्टरनेट अरेंजमेंट, ठीक है। देन पेटियोलेट, जो लीफ होती है कैसी होती है, पेटियोलेट होती है, देखिए पेटियोल प्रेजेंट है ना, तो इसलिए हम इसको बोल रहे हैं कि ये पेटियोलेट है। एंड स्टिप्यूलेट, स्टिप्यूल भी प्रेजेंट होता है, कैसी लीफ होती है, इसमें कंपाउंड लीफ होती है। अब कंपाउंड लीफ किस टाइप की होती है, तो लीफ होती है वो कैसी होती है, वो इम्पेरिपिनेट होती है। इम्पेरिपिनेट हमने अभी कल ही रोज़ प्लांट का डाइसेक्शन किया है, तो उसमें हमने पढ़ा कि इम्पेरिपिनेट क्या होता है, ठीक है। जब ऑड नंबर्स की लीफ प्रेजेंट होती है ना, तब हम उसको बोलते हैं कि इम्पेरिपिनेट है, और ये कैसा है, यहाँ पर लीफ अपोजिट है लीव्स, ठीक है, इम्पेरिपिनेट है, अपोजिट है। तो यहाँ पे देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 7 नंबर ऑफ लीफ प्रेजेंट है यहाँ पर, तो ये कैसा हुआ, ये इम्पेरिपिनेट, ठीक है। लीफलेट्स अप टू 7, ये जो लीफलेट्स हैं कितनी हैं, वो 7 है, लीफलेट्स अप टू 7। और जो लीफलेट का जो शेप देखें तो कैसा है, लीफलेट का शेप कैसा है, तो ये ओवेट शेप है, कैसा शेप है, ओवेट, यानी ओवल शेप की लीफ से, तो इसको ओवेट शेप बोलते हैं। एंड लीफ की जो मार्जिन है वो कैसी, वो इंटायर मार्जिन है, ठीक है, लीफ की मार्जिन कैसी है, लीफ की मार्जिन है इंटायर, राइट। एंड ऑप्टियूस, यूनिकॉस्टेट रेटिकुलेट विनेशन, इसमें रेटिकुलेट विनेशन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो दिस इज द टैक्सोनॉमिक करेक्टर्स ऑफ क्लिटोरिया टर्नेटिया लीफ।
अब हम इसका इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो इसमें जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो कैसा होता है, जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो किस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस होता है, तो एक्सिलरी एंड सोलिटरी, यानी कि लीफ के एक्सिल पर, ये लीफ है, ये लीफ है और लीफ के एक्सिल पर यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, फ्लावर दिख रहा है। तो एक्सिलरी सोलिटरी और अकेला ही फ्लावर है, यहाँ पे एक्सिल लीफ की एक्सिल पे बॉर्न कर रहा है और अकेला ही बॉर्न कर रहा है, इसलिए क्या आते हैं एक्सिलरी सोलिटरी, फ्लावर बॉर्न सिंगल इन द एक्सिल ऑफ लीफ। ठीक है, सिंगल ही फ्लावर होता है और कहाँ पे होता है, इन द एक्सिल ऑफ लीफ, इसलिए हम बोल रहे हैं सोलिट्री एक्सिलरी, राइट। पे स्टडी करेंगे फ्लावर के बारे में, तो यहाँ पे जो फ्लावर होता है वो कैसा होता है, पेडिसिलेट होता है, पेडिसिलेट का मतलब होता है फ्लावर में पेडिसिल प्रेजेंट होती है, तो हम आपको यहाँ पे फ्लावर दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो प्रेजेंट है दिस इज़ कॉल्ड पेडिसिल। ठीक है, जो फ्लावर है वो कैसा है, पेडिसिलेट है, क्योंकि यहाँ पे ये जो आपको स्टॉक दिख रही है छोटी सी वो क्या है, पेडिसिल है ये। और इन्होंने बोला है कि जो फ्लावर है वो क्या है, ब्रैक्टिएट है, फ्लावर क्या है, ब्रैक्टिएट है। ठीक है, तो आप देखिए ब्रैक्टिएट है एंड ब्रैक्टियोलेट है, यानी कि फ्लावर में ब्रैक्ट भी प्रेजेंट है एंड ब्रैक्टियोल भी प्रेजेंट है। तो इस केस में हम आपको दिखाते हैं कि ब्रैक्ट क्या होती है। तो देखिए ये जो लीफ की जो एक्सिल है, यहाँ पे ये जो छोटे छोटे स्मॉल से आपको दिख रहे हैं ये है ब्रैक्ट। ठीक है, और ब्रैक्टियोल्स क्या होते हैं, ब्रैक्टियोल्स जो होते हैं जो ब्रैक्ट और ये फ्लावर, ये ब्रैक्ट प्रेजेंट है, राइट। और जो फ्लावर और ब्रैक्ट के बीच में जो प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं ब्रैक्टियोल। तो ये जो लीफ लाइक आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो आपको लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये, इस ये क्या है, ये है ब्रैक्टियोल। और ये स्मॉल सा जो यहाँ पे दिख रहा है उसे हम बोल रहे हैं ये है ब्रैक्ट। तो ब्रैक्टियोल क्या होता है, ब्रैक्टियोल वो होता है जो ब्रैक्ट एंड फ्लावर के बीच में प्रेजेंट होता है उसको हम ब्रैक्टियोल बोलते हैं, एंड ये ब्रैक्ट है। तो हमारा जो फ्लावर है वो कैसा है, पेडिसिलेट है, ब्रैक्टिएट है, ब्रैक्टियोलेट है, एंड देन ब्रैक्टियोल्स यूजुअली लार्ज। जो ब्रैक्टियोल्स हैं वो क्या है, यूजुअली लार्ज हमें दिख रहे हैं, बहुत बड़े बड़े से ब्रैक्टियोल्स। ठीक है, एंड ये जो फ्लावर है वो क्या है, कम्प्लीट है, कम्प्लीट यानी कि इसमें जो फोर इंपॉर्टेंट वर्ल्ड्स होती हैं वो सारी वर्ल्ड्स प्रेजेंट है। ठीक है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, ये चारों वर्ल्ड्स प्रेजेंट है, इसलिए ये जो फ्लावर है वो क्या है, कम्प्लीट है। ठीक है, इसके अलावा ये जो फ्लावर है वो क्या है, हर्माफ्रोडाइट है, हर्माफ्रोडाइट यानी कि इसमें एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम दोनों सेम फ्लावर में प्रेजेंट है, इसलिए क्या है, ये हर्माफ्रोडाइट है, राइट। एंड ये जाइगोमॉर्फिक है, जाइगोमॉर्फिक अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगा, ये अपने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगा, इसकी सिमेट्री कैसी है, तो ये जाइगोमॉर्फिक है क्योंकि ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, एंड देन इसका कलर की बात आती है, तो कलर यहाँ पे कैसा है, ब्लू कलर है, लेकिन इसके अलावा वाइट कलर के भी फ्लावर्स होते हैं। ठीक है, वाइट कलर्स, एंड जो फ्लावर है वो कैसा है, ब्लू और वाइट कलर, बटरफ्लाई लाइक, ये जो फ्लावर है वो बटरफ्लाई लाइक अपीयरेंस दे रहा है, एंड ये जो फ्लावर है वो कैसा है, सोवी फ्लावर है। राइट, तो हमने फ्लावर के बारे में क्या पढ़ा, कि ये होता है पेडिसिलेट, ब्रैक्टिएट, ब्रैक्टियोलेट, ब्रैक्टियोल्स यूजुअली लार्ज, कंप्लीट, हर्माफ्रोडाइट, जाइगोमॉर्फिक, ब्लू एंड वाइट कलर, बटरफ्लाई लाइक, सोवी फ्लावर, राइट। तो यहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं सेपल्स की, तो यहाँ पे जो सेपल्स होती हैं वो कितनी होती हैं, फाइव इन नंबर्स होती हैं। तो इंटीरियर पे ये एक ऑड सेपल प्रेजेंट है, राइट, ऑड सेपल, ये वन नंबर, टू, थ्री, फोर एंड देन फाइव। ठीक है, तो सेपल्स कितनी होती हैं, फाइव होती हैं। इसके अलावा अगर हम इनका कलर देखें तो कलर कैसा होता है, ग्रीन कलर होता है। ठीक है, और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये क्या था, दिस इज़ ब्रैक्टियोल, दो ब्रैक्टियोल्स होते हैं इसमें, दो ब्रैक्टियोल्स होते हैं, एक ब्रैक्टियोल क्या हो गया, हट गया है, और ये एक लीफ लाइक जो स्ट्रक्चर, पतला सा थीन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है वो क्या है, ये ब्रैक्टियोल्स है। तो हमने सेपल्स के बारे में स्टडी किया कि सेपल्स फाइव होती हैं, एंड एक गैमोसेपल्स, यानी कि जो जितनी भी सेपल्स है वो आपस में क्या है, फ्यूज्ड है, हमें दिख रहा है ना, पूरा फ्यूज्ड है और एक ट्यूब, कैलिक्स ट्यूब टाइप में फॉर्म कर रही है, एंड इसमें जो एस्टिवेशन होता है वो वेलवेट एस्टिवेशन होता है, एंड इसमें जो ये ऑड सेपल है ना वो कहाँ पर होता है, तो इंटीरियर इन पोजिशन होता है, ऑड सेपल इंटीरियर इन पोजिशन होता है, राइट। हम बात करेंगे किसकी, तो हम बात करते हैं कोरोला की, इसमें जो कोरोला रहता है वो कितने टाइप का होता है, बेसिकली थ्री टाइप का होता है, ये जो सबसे बड़ा आपको दिख रहा है,
ये इसको हम बोलते हैं ये स्टैंडर्ड पेटल है, क्या है ये स्टैंडर्ड पेटल, ठीक है। इसके अलावा ये जो आपको दो स्मॉल स्मॉल से पार्ट दिख रहे हैं, ये जो स्मॉल पार्ट है ये, इनको हम बोलते हैं विंग पेटल, क्या है ये विंग पेटल है। एंड इसके अंदर अगर हम देखें तो आपको ये जो दो वाइट कलर के दिख रहे हैं जो आपस में फ्यूज्ड होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं कील पेटल, क्या बोलते हैं कील पेटल बोलते हैं। वो बहुत ही सॉफ्ट एंड डेलिकेट फ्लावर है, ये कील पेटल हो गया, दिस इज स्टैंडर्ड पेटल, ठीक है, एंड ये दिस इज विंग पेटल एंड दिस इज कील पेटल, राइट है। इसमें जो एस्टिवेशन होता है, इसमें वैक्सिलरी एस्टिवेशन होता है। वैक्सिलरी एस्टिवेशन में क्या होता है कि स्टैंडर्ड पेटल होता है, दो विंग पेटल होते हैं एंड बीच में सेंटर में जो रहता है वो कील पेटल होता है, राइट। दिस इज ऑड सेपल एंड सेपल इज 5 ही नंबर, 1, 2, 3, 4, 5। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये दिस इज, चलिए हम, दिस इज स्टैंडर्ड पेटल, तो यहाँ पे ये एंड्रोसियम आ गया है एंड एंड्रोसियम के साथ यहाँ पे गाइनोसियम भी प्रेजेंट है। स्टेमेंस हमारे टूट गए यहाँ पे, तो दिस इज स्टैंडर्ड पेटल, राइट। एंड ये दो हैं ये है विंग पेटल और ये जो दो हैं ये है कील पेटल, राइट, ओके। एंड ये हमने डाइसेक्ट किया है कैलिक्स, ये हमारे सेपल से 5। हमने देखा कि कैलिक्स यहाँ पे 5 थे, गैमोसिपेलस था ये ग्रीन वेलवेट एस्टिवेशन था और ऑड सेपल कहाँ पे इंटीरियर इन पोजीशन थी। अब कोरोला की बात करें तो जो कोरोला था वो उसमें पेटल्स 5 थे एंड वाइट या फिर ब्लू कलर के पेटल्स थे। अगर आपको जो फ्लावर मिलता है उसके बेसिस पे आप लिखेंगे कि वाइट कलर की है कि ब्लू कलर के पेटल्स हैं। एंड जिसमें जो एस्टिवेशन होता है वो वैक्सिलरी एस्टिवेशन होता है, ठीक है। अभी हमने आपको एकदम अच्छे से समझाया कि वैक्सिलरी एस्टिवेशन क्या होता है, राइट, और यहाँ पे हमने ये डायग्राम बनाया हुआ है। उसके अलावा हमने यहाँ पे आपको डाइसेक्ट करके भी ये दिखाया था, राइट।
अभी हम स्टडी करेंगे यहाँ पे एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम की। तो एंड्रोसियम की बात करें तो एंड्रोसियम होता है उसमें स्टेमेंस 10 होते हैं। जो स्टेमेंस की कंडीशन रहती है वो डायडल्फस रहती है, यानी कि 9+1 के फॉर्म में स्टेमेंस प्रेजेंट होते हैं। जो 9 स्टेमेंस होते हैं वो फ्यूज्ड कर जाते हैं और एक बंडल बनाते हैं, और जो 10th स्टेमेंस रहता है वो फ्री रहता है। 9 स्टेमेंस आपस में फ्यूज करके बंडल बनाते हैं और 10th स्टेमेंस क्या रहता है, वो फ्री रहता है। इसमें जो एंथर्स होते हैं वो डाइथिकस होते हैं, राइट। एंथर्स कैसे होते हैं, डाइथिकस होते हैं, एंड ये बेसी फिक्स्ड होते हैं और इंट्रोज होते हैं। ये था एंड्रोसियम के बारे में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे गाइनोसियम के बारे में। तो जो गाइनोसियम होता है वो मोनोकार्पलरी होता है, यानी कि सिंगल कार्पल प्रेजेंट होता है, एंड यूनिलोक्युलेट यानी कि वन लॉक्यूल प्रेजेंट होता है, विद मैनी ओव्यूल्स ऑन मार्जिनल प्रेजेंटेशन। इसमें जो प्रेजेंटेशन होता है वो मार्जिनल प्रेजेंटेशन होता है, एंड ओवरी इसमें सुपीरियर होती है, एंड स्टाइल सिंपल होती है, एंड इन कर्व्ड विद फेदरी स्टिग्मा। तो हमने यहाँ पे ये फ्लावर लिया है, ठीक है। अब हम आपको एक बार ब्रैक्टियोल्स फिर से बता देते हैं। तो ये जो लीफ लाइक आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे हम क्या बोल रहे हैं, ब्रैक्टियोल्स बोल रहे हैं। और कितने ब्रैक्टियोल्स हैं यहाँ पे, 2 ब्रैक्टियोल्स हैं, ठीक। ये ब्रैक्टियोल्स हैं, दिस इज ब्रैक्टियोल्स, राइट। अब हम क्या सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, तो हम कैलिक्स को यहाँ से, सेपल्स को यहाँ से क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। बहुत ही डेलिकेट फ्लावर है, तो बहुत ही आराम से करना है। पे जो स्टेमेंस है ये वाला, दिस वन इज फ्री, दिस वन इज ऑड स्टेमेंस, एंड बाकी के जो स्टेमेंस है वो क्या बना रहे हैं, वो 9+1 के फॉर्म में स्टेमेंस इसमें अरेंज है, ठीक है। अब हम स्टेमेंस की बात करें, इसमें जो एंथर रहता है वो एंथर कैसा होता है, तो एंथर हमें यहाँ पे कलर से दिख रहा है कैसा है, एंथर येलो कलर का है। एंड जो एंथर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एंथर्स इसमें डाइथिकस है एंड बेसी फिक्स्ड, बेस से एंथर क्या रहते हैं, यहाँ पे बेस से एंथर फिक्स्ड रहते हैं। एंथर्स कैसे, एंथर्स बेसी फिक्स्ड है। एंथर्स बेसिफिक्ड होते हैं एंड इंट्रोज होते हैं। इसमें से आप सारे स्टेमेंस को अलग कर दें, ठीक है। तो ये फ्री वाले को अलग कर दें और फिर ये देखते हैं यहाँ पे एक ग्रुप के फॉर्म में स्टेमेंस अरेंज थे ये। ठीक है,
तो यहाँ पे जो 9 स्टेमेंस हैं वो हम देख रहे हैं कि वो फ्री नहीं है, वो यहाँ पे क्या बना रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे जो 9 स्टेमेंस हैं वो आपस में फ्यूज्ड है, ठीक है। और फिर ये ऊपर जाके ये यहाँ पे थोड़ा फ्री हो गए हैं, ठीक। और जो एक स्टेमेन जो मैंने देखा, एक स्टेमेन ये देखिए, ये वो है फ्री स्टेमेन, ठीक है। और ये क्या है, ये वो 9 स्टेमेंस है। तो यहाँ पे स्टेमेन किस फॉर्म में थे, तो 9, ये 9 प्लस 1 के फॉर्म में स्टेमेंस थे। तो ये कौन सी कंडीशन हो गई है, डायडेल्फस कंडीशन हो गई। अब हम स्टडी करते हैं गाइनोसियम की। ये गाइनोसियम है और ये क्या है, ये गाइनोसियम है एंड ये यहाँ पे ओवरी है इसकी, ठीक है। अब हमको ये दिख रहा है कि जो स्टाइल है, स्टाइल कैसा है, फेदरी स्टाइल होता है इसमें। यहाँ पे आपको स्मॉल स्मॉल से फेदर्स दिख रहे होंगे, ये देखिए फेदर्स दिख रहे हैं आपको स्मॉल स्मॉल से, ये है स्टाइल। तो गाइनोसियम कैसा, मोनोकार्पलरी यानी कि सिंगल कार्पल प्रेजेंट होता है एंड यूनिलोक्युलर 1 लोक्यूल प्रेजेंट होता है एंड विद मैनी ओवल प्रेजेंटेशन होता है, वो मार्जिनल प्रेजेंटेशन होता है। ओवरी इसमें कैसी रहती है, तो ओवरी सुपीरियर रहती है एंड इसमें स्टाइल हम देख रहे हैं तो स्टाइल कैसे, स्टाइल सिंपल है एंड इसमें जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा कैसा है, तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि फेदरी स्टिग्मा है, ठीक। आपको एकदम क्लियर दिख रहा होगा कि इसमें फेदरी स्टिग्मा है, राइट। ये देखिए इसके फेदर्स हैं, ये फेदरी स्टिग्मा, स्टाइल सिंपल फेदरी स्टिग्मा एंड ओवरी सुपीरियर, स्टाइल सिंपल एंड इन कर्व विद फेदरी स्टिग्मा। तो दिस इज ऑल अबाउट द गाइनोसियम। अब हम स्टडी करेंगे कि क्लिटोरिया टर्निटिया में कैसा फ्रूट होता है, सीड होता है एंड इसका फ्लोरल फार्मूला, ठीक है। तो अगर इसका फ्रूट देखें तो ये देखिए इसका फ्रूट है एंड फ्रूट जो होता है वो लेग्यूम होता है। किस टाइप का फ्रूट है, ये लेग्यूम टाइप का फ्रूट है। अब अगर हम इसके सीड्स निकालें, सीड्स है और जो सीड्स होते हैं बेसिकली किस टाइप के होते हैं सीड्स में, इसमें जो सीड्स होते हैं वो नॉन इंडोस्पर्मस होते हैं एंड रेनिफॉर्म होते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो किस टाइप का है, रेनिफॉर्म स्ट्रक्चर है, सीड का रेनिफॉर्म स्ट्रक्चर है ये, ओके। एंड हम देख लेते हैं फ्लोरल फार्मूला। तो ये क्या होता है, इसमें ब्रैक्टीएट होता है, जो फ्लावर होता है वो ब्रैक्टीएट होता है एंड ब्रैक्टीओलेट होता है एंड जाइगोमॉर्फिक होता है, हर्माफ्रोडाइट होता है, कैलिक्स 5 होते हैं, कुरुला 5 होते हैं, इंड्रोसियम डायडेल्फस कंडीशन में होता है यानी कि 9+1 में उसके स्टेमेंस अरेंज रहते हैं एंड जो गाइनोसियम होता है वो सुपीरियर होता है एंड यूनिलोकुलर होता है। तो दिस इज द फ्लोरल फार्मूला ऑफ द क्लिटोरिया टर्निटिया। तो दिस इज कैलिक्स 5 सेपल्स है यहाँ पे एंड ये जो यहाँ पे है इसमें स्टेमेंस 9, ये 9 है और ये प्लस 1 के फॉर्म में यहाँ पे स्टेमेंस अरेंज्ड है। तो यहाँ पे ये क्या है, ये गाइनोसियम है। एंड यहाँ पे ये 2 ब्रैक्टियोल्स हैं एंड ये यहाँ पे कोरोला अरेंज्ड है, यहाँ पे ये कोरोला है और जो कोरोला होता है वो वैक्सिलरी एस्टिमेशन में कोरोला होते हैं यहाँ पे। दिस इज स्टैंडर्ड, दिस इज विंग कोरोला एंड दिस इज कील कोरोला। तो दिस इज ऑल अबाउट द सेक्शन ऑफ क्लिटोरिया टर्निटिया।